हाँ जी दोस्तों, आज इस वीडियो में आपको एक ऐसी एक्सरसाइज बताऊंगा जिनसे आप आसानी से स्वर का ज्ञान कर सकते हैं, स्वर की समझ कर सकते हैं। ये जो एक्सरसाइज है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप इस वीडियो को पूरा देखिएगा अगर आप लोग आसानी से स्वर का ज्ञान करना चाहते हैं, स्वर की समझ करना चाहते हैं। देखिए, जब हम कोई भी गाना बजाते हैं तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है हमारा स्वर का ज्ञान होना जरूरी। अगर आपको स्वर का ज्ञान नहीं है तब आप हारमोनियम पर कोई गाना नहीं निकाल पाते। अगर आपको अच्छा स्वर का ज्ञान है तो आप आसानी से कोई भी गाना हारमोनियम पर निकाल पाएंगे। तो इसीलिए आज मैं आपको इस वीडियो में एक ऐसी एक्सरसाइज बताऊंगा जिनसे आप आसानी से स्वर का ज्ञान कर सकते हैं। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपके साथ एक इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन शेयर करना चाहूँगा एक ऐप के बारे में। इस ऐप का नाम है रियाज ऐप। आप इस ऐप के माध्यम से घर पे बैठे बैठे आसानी से संगीत सीख सकते हैं। आप संगीत के सारे बेसिक सीख सकते हैं, राग सीख सकते हैं, थाट सीख सकते हैं, आप फिल्मी गाने सीख सकते हैं, फिल्मी भजन सीख सकते हैं। और आपको इस ऐप में अनेकों लेसन मिलेंगे जिनसे बैठे बैठे आप घर पे आसानी से संगीत सीख सकते हैं। तो जल्दी कीजिए, अभी से आप डिस्क्रिप्शन में जाइए और इस ऐप का लिंक मिलेगा, वहाँ से आप जल्दी से जल्दी इस ऐप को डाउनलोड करिए। तो वीडियो कंटिन्यू करते हैं। तो वो जो एक्सरसाइज है, देखिए हम जनरली जो रियाज करते हैं वो सिंपल करते हैं, खाली एक स्वर को सुन के रियाज करते हैं। जैसे अगर मेरे को सा रे हम स्वरों को सुन के उनके पीछे पीछे गाते हैं, लेकिन अभी हमारा जो पैटर्न चेंज हो जाएगा, हमें अलग तरीके से रियाज करना होगा ताकि हमारे जो स्वरों की हमें जल्दी से जल्दी समझ हो जाए। उसके लिए मैं आपको एक्सरसाइज बताऊंगा। इसके लिए आपको मैं 8 कॉर्ड बताऊंगा, ऐसे कॉर्ड बताऊंगा जिनसे आप आसानी से रियाज कर सकते हो और जल्दी से जल्दी आप स्वर ज्ञान कर सकते हो। देखिए, अभी हमें डायरेक्टली जब हम रियाज करते हो तो हम एक स्वर को दबाते हैं, सा रे। अभी हमें ऐसे रियाज नहीं करना। तो अगर सा का रियाज करना है तो हमें सा का कॉर्ड दबा कर रियाज करना है, सा रे। इसका फायदा क्या होगा, देखिए एक स्वर को सुनकर पकड़ना बहुत आसान है। जब हम तीन स्वर पकड़ते हैं, तीन स्वर दबाते हैं ना, तो इन उन तीन स्वरों में हमें एक स्वर ढूंढना बहुत मुश्किल हो जाता है। इस अगर आप इस तरीके से चलेंगे ना तो आप बहुत जल्दी आपको स्वर का ज्ञान हो जाएगा, आपको स्वरों की समझ हो जाएगी। क्योंकि तीन साउंड में से एक साउंड को पहचानना, आप खुद ही अंदाजे लगा लीजिए, एक साउंड को सुनकर पकड़ना कितना आसान होता है। अगर आपको तीन स्वर में एक साथ दबा दूं तो उसमें अगर मैं आपको बोलूं कि सा ढूंढो तो आप कैसे ढूंढेंगे। तो अगर आप ऐसी टेक्निक के साथ चलते हैं, ऐसी एक्सरसाइज के साथ चलते हैं, तो आपको बहुत जल्दी स्वर ज्ञान हो जाएगा। आप जल्दी से किसी भी गाने को निकाल सकते हैं, क्योंकि गाना तभी निकाल पाएंगे जब अगर आपको स्वर ज्ञान होगा। अगर आपको स्वर ज्ञान नहीं तो आप गाना नहीं निकाल पाएंगे। तो उसके लिए आपको रियाज क्या करना है, जैसे हमारी पहली बेसिक सरगम है सा रे ग म प ध नी सा नी धा प म ग रे सा। इस सरगम को हम कॉर्ड के साथ करेंगे। जब हमें सा गाना है तो तब आपको कॉर्ड लगाना है पा सा गा। तो सबसे पहले आप कॉर्ड लिख लीजिए। सबसे पहला कॉर्ड रहेगा आपका मंद्र सप्तक का पा सा और आपका गा, पा सा गा, ठीक है, ये आपका पहला कॉर्ड है। दूसरा कॉर्ड रहेगा आपका धा रे म, मंद्र सप्तक का धा रे म, ठीक है। तीसरा कॉर्ड रहेगा आपका सा ग प, सा ग प, ठीक है। फिर नेक्स्ट जो कॉर्ड रहेगा सा मा धा, सा मा धा। उसके बाद आगे वाला जो कॉर्ड रहेगा पा के लिए, पांचवा कॉर्ड आपका रे पा नी, रे पा नी। उसके बाद जो नेक्स्ट कॉर्ड रहेगा मा धा सा, मा धा सा। उसके बाद जो नेक्स्ट कॉर्ड रहेगा पा नी रे, पा नी रे। जो लास्ट कोड है आपका 8वां कोड है वो है पा सा गा, पा सा गा। अभी देखिए हमारी सरगम में क्या 8 ही स्वर लगते हैं ना, सा रे ग म प ध नी सा। आप देखे तो 1 2 3 4 5 6 7 तो मैंने आपको कोड भी 8 ही लिखे हैं। जब आपको सा गाना है, सा को ढूंढना है, तो आपको कोड लगाना है पा सा गा सा। जब रे ढूंढना है रे, जब गा ढूंढना है गा, कोड लगाना है सागा पा। जब मा गाना है मा, कोड लगाना है सा मा धा मा। जब पा लगाना है पा, फिर धा के लिए, फिर नी के लिए नी, नी के लिए ये कोड है, फिर सा के लिए ये कोड। अब मैं आपको पूरा सही ढंग से गा के दिखाता हूं, सा रे ग मा पा ध
इस तरीके से रियाज करना है, क्योंकि तीन स्वरों में आप अगर आप उस स्वर को ढूंढेंगे और पहचानेंगे तो ऑटोमेटिकली आपकी जो स्वरों को पहचानने की जो शक्ति है वो आपकी इंप्रूव होगी, जो सेंस है वो इंप्रूव होगी। इसी तरह दूसरी एक्सरसाइज हमारा जो दूसरा अलंकार था सा सा रे रे गा गा मा मा, हम हर एक स्वर को दो दो बार दबाते थे उस अलंकार में। अभी इस एक्सरसाइज में क्या करेंगे, हम हर एक कोड को दो बार दबाएंगे, सा सा रे रे गा गा मा मा पा पा धा धा नी नी सा 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 नी नी धा धा पा पा मा मा गा गा रे रे सा सा। ठीक है, इस तरीके से चलते हैं। इसी तरह तीसरी एक्सरसाइज जो हमारी, हम हर एक स्वर को तीन बार दबाते हैं, सा 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 रे 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 गा 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 मा मा मा। इस तरीके के रियाज के लिए हम क्या करेंगे, हर एक कोड को तीन बार दबाएंगे। सा के लिए सा 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 रे 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 गा 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 मा 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 पा 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 धा 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 नी 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 सा सा सा। इन एक्सरसाइज से क्या फायदा होगा, एक तो आपको कोड बजाने आ जाएंगे, एक आपका स्वर ज्ञान भी हो जाएगा और एक आपकी उंगलियां भी चल जाएंगी। इस एक्सरसाइज के आपको बहुत ही फायदे हैं, आपका स्वर ज्ञान भी हो जाएगा, आपके कोड भी आपको बजाने आ जाएगी, प्लस आपकी उंगलियां भी अच्छी हो जाएंगी। तो इस एक्सरसाइज के आपको बहुत फायदे हैं। इसी तरह आपकी चौथी एक्सरसाइज में आपको बताता हूँ, उसके बाद जो हमारी अगली एक्सरसाइज है तीन तीन स्वरों की, सारे गा सा रे गा रे गा मा गा मा पा मा पा धा पा धा नी धा नी सा। जब ये अलंकार बजाते तो अब आपको बजाना है सा रे गा रे गा मा। सा के लिए सा का कोड लगाएंगे, रे के लिए रे का कोड लगाएंगे, गा के लिए गा का, मा के लिए मा का, तो आप चेंज करते जाएंगे सा रे गा रे गा मा। ठीक है, गा मा पा, ठीक है, मा पा धा पा धा नी धा नी सा। इस तरीके से आपको ये एक्सरसाइज प्रैक्टिस करनी, ये एक्सरसाइज आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल रहेगी अगर आप लोग अपनी स्वर की समझ बनाना बढ़ाना चाहते हैं, अपने कानों को ट्यून करना चाहते हैं। क्योंकि जब आप गाने निकालते तब आपके लिए यही चीज़ ही इंपॉर्टेंट होती है, गाना सुनकर हमें निकालना होता है, तो उसके लिए हमें स्वर की ज्ञान होनी बहुत ज़रूरी है। तो आप आसानी से इस एक्सरसाइज, ये तीन एक्सरसाइज सॉरी मैंने चार एक्सरसाइज बताई, मैंने पहली वाली सिंगल, फिर डबल, फिर तीन बार हर एक कोड को बजाना है, फिर मैंने तीसरी एक्सरसाइज में बजाया लास्ट एक्सरसाइज में बजाया था तीन तीन स्वरों को लेकर, सारे गा रे गा मा गा मा पा मा पा धा पा धा नी। ठीक है, इस तरीके से ये आप चार एक्सरसाइज करिए प्रैक्टिस, आप इसको एक हफ्ता कर कर देखिए, एक हफ्ते में आपको बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा। इसमें आपका गला भी इंप्रूव हो जाएगा, ये जो एक्सरसाइज सभी के लिए है, अगर आप इसके साथ गाकर चलेंगे तो आपका गला भी इंप्रूव होगा। ये एक्सरसाइज आपकी हर एक चीज़ के लिए इफेक्टिव है, चाहे वो कोर्ड्स है, चाहे वो आपकी हारमोनियम पर उंगलियां चलाने की बात है, चाहे वो आपकी स्वर ज्ञान की बात है, चाहे वो आपकी वोकल की बात है, तो आपको हर एक चीज़ में हेल्प करेगी ये जो एक्सरसाइज है। ठीक है, तो ये आपके लिए एक रामबाण है, आप अगर आप लोग संगीत सीख रहे हैं तो इन चीज़ों को आप ट्राई करिए, ऐसी टेक्निक्स कोई नहीं बताएगा। ठीक है, एक हारमोनियम गुरु एक ऐसा चैनल जो है आपको अलग अलग नई नई टेक्निक्स आपके लिए लाता रहता है, तो अगर आपको कोई ऐसी टेक्निक्स बताता है तो आपको उनको फॉलो करना आपका फर्ज बनता है, आपको एक अच्छा रिजल्ट मिलेगा। तो होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा, अगर अच्छा लगा तो लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए, कोई भी दिक्कत हो तो। धन्यवाद, मिलते अगली वीडियो, शुक्रिया।